नमस्कार। जो पिमसा का इनसाइड झारखंड की ओर से भगवान श्री काशी विश्वनाथ की कृपा से अभी तक तो मैं ठीक ठाक हूँ, आगे भी उनकी कृपा बनाया बनी रहेगी आशा है। और मेरे पास जितनी कुंडलियां थी सारी कुंडलियां मैंने बना के रख दी है। अब जिनको कहिए तो सबको सैटरडे और संडे ही चाहिए, मोस्टली वर्किंग पीपल हैं। और 9 से 11 12 ही मैं देखता हूँ, सूरज भगवान के रहते रहते तक ही देता हूँ, उनके सूरज तक ही निराशित करता हूँ। अभी तक करता ही आया हूँ। सिस्टम ये रिवील नहीं करना चाहता था लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि बोलना पड़ रहा है। और अब जो नए आ रहे हैं वो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन टिल डेट आज तक जितनी कुंडलियां थी सारी की सारी कुंडलियां बन गई, सबकी कुंडलियां बन गई, एक भी बाकी नहीं। तो स्वास्थ्य जो बीच में मेरा गड़बड़ था उसी में मैंने सारी कुंडलियां बनाई। चलने फिरने में दिक्कत थी लेकिन बैठ के और सारा काम तो मैं कर सकता था, तो दैट वर्क आई डिड, ईश्वर साथ दिए। आज मैं जनरल लाइन से हट के कुछ बात करने जा रहा हूं आपसे। अभी इतनी स्थिति आकाश की खराब है कि स्थितियां बड़े विभत्स रूप से सामने आ रही हैं। ईश्वर दंड दे रहे हैं जल प्रलय से, अग्नि के प्रलय से। थैंक्स गॉड रोग अभी तक नहीं फैला है। और कुछ तो जो अपने देश में नहीं है लेकिन दूसरे देश वगैरह में है, वहां व्यर्थ का अभिमान के कारण युद्ध का उन्माद पड़ा हुआ है। अब उनके उन्माद के कारण पूरे विश्व को हानि हो सकती है। जुलाई महीना मैंने पहले से कहा कि बहुत अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा नहीं है, बस मैं इतना ही बोल सकता हूं। और एक अनुरोध जो मैं बार बार करता हूं, मेरी हैसियत तो बहुत छोटी सी है, एक फतिंगे की कीमत है मेरी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, लेकिन अब तक के जीवन में मुझे ये जानकारी है कि कोई भी हो, हर आदमी का अपना एस्ट्रोलॉजर है। कितना भी कहे कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं सब टिके हुए हैं जरूर। तो जो लोग वीआईपी के एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो लोग वीवीआईपी हैं वो लोग कुछ सुनने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं। और उनकी जो गृहणियां हैं, श्रीमती जी हैं, बाल बच्चे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो भारतवर्ष के वीवीआई लोग हैं, बहुत उच्च दर्जे के लोग हैं जिनके बिना दुनिया उलट सकती है, आप अपने पिताजी से, चाचाजी से, अपने पतिदेव से इतना अनुरोध जरूर कीजिए कि प्लीज अपने सिक्योरिटी का जो दायरा है उससे आप बाहर ना निकलिए। उत्तेजना में आकर के अपने को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, निर्भय हूं, ये गलती ना करें। ये मैं जुलाई के पहले से ही बोलता आ रहा हूं। थोड़े दिन बचे हैं, अब सिर्फ थोड़े दिन बचे हैं, 5-7 दिन बचे हुए हैं। इस बीच में कम से कम इतना तो मेरी अर्जी सुन लीजिए। दूसरी बात कि
अभी जो 9 नंबर है धनु राशि या धनु राशि, ये बुरी तरह से प्रताड़ित है सूरज के द्वारा, मंगल, शुक्र और बुध के द्वारा। और 9 नंबर को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुजरात, यूपी, राजस्थान और सीमांत प्रदेश जो बॉर्डर लाइंस में आते हैं वेस्टर्न जोन के, ये सब थोड़े ईश्वर के कृपा के जोन में पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ भी अघटन घट सकता है, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, चाहे वो बड़े बड़े आकार के भूकंप हो या बड़े आकार के उत्पात हो जाएं, जान प्राण की हानि हो, राष्ट्र के लिए अहितकर हो जाए। ये तो हिंदुस्तान की हुई, और विश्व में देखिए तो भारतवर्ष का नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान, उसके पीछे राजस्थान, उसके पहले राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ्रांस, सऊदी अरेबिया। आप नक्शे पर देख लीजिए, नक्शे पर देख लीजिए, भारतवर्ष का कश्मीर पकड़िए और सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया पकड़िए, नॉर्थ भारतवर्ष से नॉर्थ और वेस्ट, अभी भी ये डेंजर जोन में पड़ा हुआ है और बहुत अधिक डेंजर जोन में पड़ा हुआ है। बोलने का एक और कारण है, सूरज जिसको बोलते हैं सही में तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से शनि षडाष्टक है। शनि माने आयु, शनि को भगवान ने 3 काम दिया, मुख्य 3 काम दिया। शनि माने आयु, चाहे चींटी की आयु हो, चाहे हाथी की आयु हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे फतिंगे की आयु हो, आयु ऑन द होल इस अर्थ पर, भूमि पर जो जातक हैं, जो जन्म लेते हैं, वो तो सबके आयु शनि निर्धारित करते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है। दूसरा, आजीविका, कमाने का धंधा, और तीसरा ये न्याय को बोलते हैं, जस्टिस भी करने वाले ग्रह यही है, दुख भी यही देते हैं। तो इस पृथ्वी से शनि अष्टम भाव में आ गए, षडाष्टक हो गए, शनि आयु तो पृथ्वी की आयु, या उस तरह की नॉर्थ वेस्ट के कुछ हिस्से की आयु, ये एस्ट्रोलॉजिकल भाषा बोल रहा हूं, व्यवहारिक भाषा में आप लोग इसको समझिए, ठीक नहीं दिखता है, स्थिति ठीक नहीं दिखता है। नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट, तो जब तक ये जुलाई नहीं बीतता है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल भाषा बहुत कम गलत होती है, यदि आपको समझने आता है तो एस्ट्रोलॉजिकल भाषा बहुत कम गलत होते हैं। और इसी नॉर्थ वेस्ट में ये मणिपुर वगैरह भी आ जाते हैं।
आकाश में एक स्थिति और खराब है, वो है मंगल शुक्र की युति, और इसमें भी बुध भी आ गए। मंगल और शुक्र की युति मोस्टली एपेटाइट ऑफ सेक्स को जगाता है, और चूंकि मंगल और शुक्र हैं, यहां पर कोई शुभ दृष्टि पड़ नहीं रही है ढंग से। सिर्फ गुरु राहु के साथ होने के कारण इनकी शुभ दृष्टि भी काम नहीं कर रही। यहां पर पंचम दृष्टि गुरु की 1 2 3 4 5, कारण कि राहु का भी पंचम दृष्टि होता है, गुरु के समान राहु केतु की भी दृष्टि होती है। तो गुरु की दृष्टि या राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, वो राहु को साथ में लेकर के पड़ रहा है गुरु चंडाल योग के हिसाब से। तो मनुष्य के अंदर में एपेटाइट ऑफ सेक्स जो है वो चंडाल के समान हो गया है। तो आप अपने को, मन को नियंत्रित कीजिए। जिनके मन में भी काम भावना थोड़ी प्रज्वलित हो जा रही है, देखिए इसे परेशान मत होइए, कारण कि भगवान शंकर भी नहीं जीत सके काम भावना से। उनको भी कामदेव ने परेशान कर दिया था, तो क्रोध में आकर के उन्होंने उनको भस्म कर दिया। उनकी पत्नी ने बहुत अनुनय विनय किया, तब उन्होंने कहा कि ये अनंग रहेगा, इसके अंग नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जीवित रहेगा, इतना मैं वरदान देता हूं। ऋषियों में विश्वामित्र मुनि भी परेशान हो गए मेनका से। तो जहां ऋषि मुनि देव सभी पीड़ित हो जाते हैं इस भावना से, हमारी और आपकी हैसियत कुछ नहीं है। मन में आपके बुरे ख्याल आते हैं तो उसको दमन कीजिए। दमन करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है, जैसे मन में बुरे ख्याल आए उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, एक क्षण में काफुर हो जाएगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। तो मन के अंदर में चाहे क्रोध को काफुर करना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन के अंदर के विकार को समन करना है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। बहुत सारे विकार ऐसे ही दूर हो जाते हैं। इसी कारण भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंत में पांडवों को कहा, युधिष्ठिर को कहा कि अब ये चले जाने वाले हैं वृद्ध पुरुष, पूछ लो। तो महर्षि भीष्म ने कहा कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से बड़ा कोई पूजा नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, भगवान विष्णु का नाम का जपन करो, सहस्त्र नाम। और बहुत संक्षेप में कहा कि इवन राम रामे ते रामे ते रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भी जब कीजिए ना, आपके मन के क्रोध काफुर हो जाएंगे और आपके दूषित भावनाएं खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह छल कपट प्रपंच ये सारे समाप्त हो जाएंगे। अब जैसे ये मैंने आजमाया है इसलिए बोल रहा हूं, जिस चीज को मैं नहीं आजमाया हूं उस चीज नहीं बोलता, मैं आजमाया अपने जीवन में भगवान के इस शब्द को मैंने अपनाया। तो इसी पर मैं थोड़ा सा और बोल देना चाहता हूं कि देखिए, लगन 3 होता है, लगन चंद्र लगन और सूरज लगन, 1 2 3
33.3%, 33.3%, and 33.3% is equal to 99.9%. तीनों लग्न को देखना चाहिए। अब मैं ये बोलना ये चाहता हूं कि आप अच्छे आदमी हो या नहीं हो, अपनी परख अपने आप करो। डोंट वेट अदर्स टू पास कमेंट। आप कैसे चेक करेंगे वो मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सात्विक राशियां, 12 राशियों में सात्विक राशियां हैं सूरज, चंद्रमा और गुरु की राशियां। सूरज 5, चंद्रमा 4, गुरु 9 और 12। 4, 5, 9, 12 ये सात्विक राशियां हैं। यदि आपके लग्न इसमें पड़ते हैं तो आप 33.3% अच्छे आदमी हो, पक्का। यदि आपका चंद्र लग्न भी 4, 5, 9, 12 के अंदर में पड़ता है तो आप 66% अच्छे आदमी हो। और यदि आपका सूर्य लग्न भी 4, 5, 9, 12 में पड़ता है तो आप निश्चित रूप से 99.9% अच्छे आदमी हो, सात्विक आदमी हो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये धरती भोग भूमि है। भगवान राम, भगवान चंद्रमा, सॉरी कृष्ण, भगवान बुद्ध, जितने लोग जन्म लिए इस धरती पर सिर्फ भोगने के लिए आए। पिछले जन्म के श्राप या किसी अपने लाचारी अवस्था में किया हुआ दुर्योग से कुछ कर्म किए हुए हैं उसको भोगने के लिए आते हैं ताकि शरीर निर्मल हो जाए। तो इस धरती पर जितने लोग जो भी जातक हैं भोगने आए हैं, मैं, आप, महात्मा जी, गुरु जी, जितने लोग हैं धरती पर, संत महात्मा से लेकर के दिव्य 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 से दिव्य महापुरुष कोई भी हो, भोगने ही आए। भगवान राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, महात्मा बुद्ध नहीं बचे, हमारी क्या है इसके? तो ये जरूर देखिए, सात्विक आपके अंदर में, यदि आप सात्विक हैं तो क्या हो सकता है, क्योंकि धरती पर आए हैं भोगने के लिए तो कुछ आवरण आपके शरीर पर जरूर आएगा जिसके अंदर हो सकता है आपके लग्न ऐसे बुरे प्रभाव में हो, तो आपकी जो सात्विक प्रवृत्ति लग्न में उत्था 4, 5, 9, 12 यदि लग्न के ये नंबर हैं आपके, तो सात्विक प्रवृत्ति को दबा दिया जा सकता है। लेकिन काठ को जैसे जमीन में पानी में रखेंगे छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा, उसी तरह से आपके अंदर में जो सात्विक भावना ईश्वर के प्रति है, जागृत है, वो कितना भी दबा दिया जाए वो ऊपर आ जाएगा। मतलब आप में ये भगवान ने प्रोविजन दिया है कि यू कैन बी ए वेरी गुड मैन प्रोवाइडेड थोड़ा सा जागृत कीजिए अपने को। उसी तरह से राजसिक राशियां, राजसिक राशियां होती हैं भोग करने की प्रवृत्ति, इच्छाओं की पूर्ति करने की प्रवृत्ति, आंख को तृप्त करने की प्रवृत्ति, अभिमान को तृप्त करने की प्रवृत्ति, क्रोध को ना समन करने की प्रवृत्ति,
किसी न किसी प्रकार से दंभ जो इसमें प्रवेश कर जाता है तो वो राजसिक राशियां हैं, बुद्ध के 3 और 6 और शुक्र के 2 और 7 ये भोग कराते हैं। राजा को जैसे लगभग सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह से मनुष्य के अंदर में जब राजसिक प्रवृत्ति होती है तो भोग करने की इच्छा प्रबल होती है, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, किसी न किसी कारण से उसमें बाधा आ जाती है, आपके धन आते आते रुक गए, आपको क्रोध उत्पन्न हो गया, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, तो इच्छा की पूर्ति में बाधा होने से क्रोध उत्पन्न होता है और इच्छा पूर्ति हो जाने से अभिमान उत्पन्न होता है। तो क्रोध पाप का मूल है, पाप मूल अभिमान। मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, सर मैं इसको पूरा फॉलो कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन 49% तो मैं इसको करता हूं और मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता। मस्ती में यदि बच्चे के साथ, नाती के साथ, किन्हीं के साथ मस्ती में कभी कुछ बोल दिया कि भूत आ रहा है, अदरवाइज मैं किसी को दुख देने के लिए कोई वचन नहीं कहता और झूठ बोल करके अपनी बचाव भी मैं नहीं करता। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज है, क्रोध पाप का मूल है, सारा झंझट का समस्या है ये क्रोध है, और क्रोध जब रहता है तो इसमें क्रोध को जो बर्थ देता है वो अभिमान, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ही हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो ये चीज ये राजसिक प्रवृत्ति के कारण होता है। अब मान लिया किसी का लग्न सात्विक प्रवृत्ति का है, 4, 5, 9, 12 है, किसी का सूरज लग्न, सूरज लग्न जो है वो 4, 5, 9, 12 का है, तो फिर भी 66.6% तो सात्विक प्रवृत्ति आपके अंदर में है, जगा तो सकते हैं, आपके अंदर में है, जागिए तो, और जगाने के लिए डोंट वेट सम गुरुजी टू कम एंड गिव यू सम ज्ञान, नो। आत्मा रक्षितो धर्म, हर मनुष्य के अंदर में आत्मा है और आत्मा में भगवान है, यही सत्य है, परम सत्य है, अंतिम सत्य है, चाहे कोई वेद हो अंत में यही कहते हैं गुरुजी, तत् त्वम असि, तुम ही तो हो। तो सारा चीज अपने मुट्ठी में, और किसी चीज को भी शमन करना है तो भगवान विष्णु को याद कर लीजिए, माता लक्ष्मी को याद कर लीजिए, तक्षण सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तीसरा, तामसिक राशियां, 12 राशि में 4 राशि मंगल और शनि की जो राशियां हैं वो तो तामसिक राशियां हैं। मान लिया इस तामसिक राशि में 1, 8, 10, 11 में आपका लग्न नहीं आता है, आपका चंद्र लग्न भी नहीं आता है, लेकिन सूरज लग्न आ जाता है, तो सूरज लग्न तो अपने ही क्रोध का ताप का है, उग्रता उसमें है, दंभ उसमें है, अभिमान की कुछ छाया उसमें है, तो आपके अंदर में डिरेल करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखिए, आपके दूसरे लग्न चंद्र लग्न और लग्न इस सात्विक राशि में आते हैं, यानी 4, 5, 9 और 12 ये चेक कीजिए, देखिए ये बहुत बड़ी
मैंने आपको अपने रहस्य की बात बताई। चार ही प्रवृत्ति होती है ना, तीन प्रवृत्ति होती है, सात्विक पुरुष, राजसिक पुरुष और तामसिक पुरुष। एक आदमी देखिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस के पास जाना नहीं चाहते हैं, आप अच्छे कीजिए या बुरा कीजिए, उनका पहला काम है आपको फटकारना, आपको लेट डाउन करना, ताकि आपको इतना डरा के रखा जाए कि आप उनके मुट्ठी में रहें। एक प्रवृत्ति ये होती है। दूसरी प्रवृत्ति होती है कि आपकी योग्यता को परख कर उसको बढ़ाया जाए, ये राजसिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। और दूसरे होते हैं, भाई ये तो मेरे समान ही मनुष्य हो सकता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने शिक्षा ले ली, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन भगवान इसके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण इसको दंड दिए, उतना शिक्षित नहीं हो सका जितना मैं हूं। सो आफ्टर ऑल ईश्वर का क्रिएट किया हुआ बंदा है, क्यों इसके साथ मिसबिहेव करो। सारी सोच के ऊपर निर्भर है। तो इस तीन चीज को जरूर समझिए। अब जैसे एक बात हमने कहा आपको कि मंगल और शुक्र आकाश में जब आते हैं तो बहुधा 99.9% मनुष्यों के अंदर में ये काम भावना जागृत हो जाती है। भगवान शंकर भी परेशान हो गए कामदेव से, विश्वामित्र भी परेशान हो गए मेनका से। अब उनके अंदर में ये दोष उत्पन्न हो सकता है, तो हम लोग कहां हैं, कुतो मनुष्य। तो करना सिर्फ इतना ही है कि यदि थोड़ा समय मिलता हो, एक घटी आधी घटी, आधी से पुनी आध, उससे भी आधा कर दीजिए, आपको समय नहीं मिलता, मैं कहता हूं उससे भी आधा कर दीजिए। भगवान राम को तो ध्यान कीजिए, माता सीता को तो ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु को तो ध्यान कीजिए, शेषनाग पर क्षीर सागर में भगवान है, माता लक्ष्मी सेवा कर रही है, भगवान ब्रह्मा नाभि कमल में वेदों के साथ विराजमान है। ध्यान तो कीजिए, देखिए कहाँ जाता है आपका क्रोध। भगवान ने शेषनाग के ऊपर में ही अपना आसन बनाया, शेषनाग उनकी एक सांस खींचने से सृष्टि खिंचा जा सकती थी। भगवान ने कहा शांत, धीरे धीरे को शांत हो। वही थ्योरी है, इसको आप चाहे भगवान शेषनाग के श्वास को समझिए या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे सूरज और शनि, दोनों ग्रहों का जो आकर्षण शक्ति है वो डिस्टर्ब करेगा एक दूसरे को। शनि की आकर्षण शक्ति पृथ्वी को डिस्टर्ब कर रही है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सिंक्रोनाइज अवस्था में शनि के साथ नहीं मैच कर पा रही है। ऐसी स्थिति में धरती डूबती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम लोग नहीं जानते, ज्ञान नहीं है, लेकिन जो जानते हैं थोड़ा बहुत उतना तो संभलना चाहिए। तो ये एक स्थिति बनती है। सूरज जब भी किसी भी बड़े ग्रह से 6-8 के रिलेशन में आ जाए या दीर्घकालीन चलने वाले ग्रह के 6-8 में आ जाए, जैसे शनि है, जैसे गुरु है, राहु है, केतु है, हालांकि राहु केतु ग्रह नहीं है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी ऋषियों ने उनको ग्रह के अनुपात में उनको ट्रीट किया है, हम लोग उनकी भाषा मानेंगे, ऋषियों से बड़े नहीं है, उस ज्ञान में उनसे बड़े नहीं है। तो तब जब भी 6-8 का रिलेशन ग्रह के साथ होगा, जैसे यहां पर देखें गुरु और चंद्रमा है, गुरु और राहु है, चंद्रमा से अभी 6-8 रिलेशन में है, कल 11:13 तक, सॉरी आज 11:13 तक, तो 11:13 तक षडाष्टक में आते हैं चंद्रमा भी और गुरु भी,
और सूरज भी और शनि भी। तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण सबसे कठिन है, सबसे बड़ा है। तो चंद्रमा को तो तुरंत अस्त व्यस्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, 11:13 तक अपने को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। मैं कहूंगा सुबह उठ करके या जब भी मौका मिले भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें ना, मन एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो इस चीज को तो मैं थोड़ा बताना चाहता था। लेकिन मंगल और शुक्र जो है वो पीड़ित हैं। मंगल की राशियां हुई 1 और 8, शुक्र की राशियां हुई 2 और 7। तो 1 8 ये मंगल है, ये तामसिक है, और शुक्र जो है वो राजसिक में है। तो तमस के कारण, क्रोध के कारण मन के अंदर में जबरदस्ती उपभोग करने की, जबरदस्ती मैं बोल रहा हूं, जबरन दैत्य के ऐसा बिहेव करने की प्रवृत्ति हो जा सकती है। अब इसमें एक ग्रह बुध भी आ गए। बुध के 2 हाथ, 3 नंबर, 6 नंबर, और दोनों फीमेल कन्या राशि और मिथुन राशि, ये दोनों फीमेल राशियां हैं। बुध जो है अक्सरहा ज्यादा से ज्यादा फीमेल राशियों के समान रिजल्ट देने लगते हैं, और अभी उनका जो 6 नंबर है उसमें चंद्रमा 11:13 तक है, तो बुध 100% फीमेल हो गई। तो ये एजेड पर्सन को नहीं बोलते हैं, एजेड लेडी को नहीं बोलेंगे, ये कमसीन लड़कियों की बात बोलेंगे जिनकी उम्र कम है। जो अभी अभी जो युवा को प्राप्त करने जा रहे हैं, किशोर अवस्था से युवा अवस्था प्राप्त करने जा रहे हैं। और बुद्ध को बुद्धि भी बोलते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। तो शिक्षित लड़कियां भी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी दिग्भ्रमित हो सकते हैं, जो जनरली पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को, बच्चियों को, आप किससे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, थोड़ा फैमिली रेस्पेक्ट तो करो, मम्मी पापा से तो अपनी बातें बोलो, सुरक्षित रहोगे। मार खा करके टुकड़े टुकड़े में काट करके फेंक दिया जाए, कौन सा सुख पा रही हो। अपने बुद्धि को निर्मल करो ना, भगवान विष्णु का ध्यान करो ना, माता लक्ष्मी का ध्यान करो ना, माता पिता पर। तो मे भी अभी क्या है, माता पिता और पुत्र पुत्री में 20 साल, 25 साल, 30 साल का डिफरेंस ऑफ एज है। बच्चे बोलते हैं कि चांद पर, मंगल पर हम लोग जा रहे हैं और आप अभी भी बैलगाड़ी में ही सफर कर रहे हो। यस यू आर ट्रू, लेकिन आप बैलगाड़ी में सफर नहीं किए हो, आपको कुछ नहीं मालूम बैलगाड़ी में क्या है। बैलगाड़ी का संपर्क शनि से है, शनि है चरती इति शनि, जो धीरे धीरे चले उसको शनि बोलते हैं। तो बुलक काठ को पिछड़ापन की निशानी मत समझिए, धीरे धीरे मैच्योर्ड वो में काम करने की प्रवृत्ति बुजुर्गों में रहती है, आतुरता नहीं होती, अकबकाते नहीं है, लक्ष्य से डिगते नहीं है, जो ज्ञान है वो है। तो आधुनिकता में बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जो आपके सुरक्षा के लिए नहीं है, आपके शिक्षा के लिए भी नहीं है। वो शिक्षा क्या जो अपनों से दूर कर दे, वो शिक्षा क्या जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भर दे, वो शिक्षा क्या जिसमें दया माया करुणा श्रद्धा प्रेम ना हो, वो क्या शिक्षा। तो ये जो कंडीशन अभी बनी है, मंगल और बुध और शुक्र
स्थिति अभी भी राजनीतिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से डिस्टर्ब करने वाली स्थिति बनी हुई है। और चूंकि पंचम दृष्टि में राहु का भी संयोग आ रहा है, राहु हमेशा छल कपट प्रपंच धोखा ऋषा इत्यादि को बोलते हैं, तो गुरु की दृष्टि जो है, गुरु के साथ राहु की दृष्टि मिलने से गुरु चंडाल योग होता है। तो ये जो सारी हमने कहा कि मन के अंदर में छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष काम की भावनाएं आ गई, काम की भावनाओं के कारण सामाजिक भिन्नता, मर्यादा, एकरसता सारा भंग हो रहा है, इसके पीछे में ये राहु षड्यंत्र का भी गुरु चंडाल योग पर भी भूमिका है। तो जो लोग हैं ध्यान रखें मेरी बात को, 80% घटनाएं षड्यंत्र के तहत चल रही हैं, लेकिन ग्रह जो कर रहे हैं मंगल शुक्र की स्थिति तो है। इसके पहले भी मंगल शुक्र 4 नंबर में थे, जो तांडव हुआ वो तो देखे हैं आप। जो लोग नए नए सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, मैं उनको कहूंगा कि आप जितना कुछ कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, आप जरूर A4 साइज में, आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए जरूर। आपके जानकारी में जहां भी कुछ घटनाएं घटती हैं तो देखिए, कारण कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल साधु हों, सन्यासी हों, लेकिन छल कपट करके उनको बदनाम करके इस तरह से पीड़ित कर दिया जाए कि वो आदमी सुसाइड कर ले, ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र की दृष्टि को, बुध के दृष्टि को भी कैरी ओवर करेगी, 1, 2, 3, 4 वृश्चिक राशि को भी। वृश्चिक राशि को भी ये भी पीड़ित रहेंगे वृश्चिक राशि। जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, ऑलरेडी ये आपका तामसिक राशि है और इसी में मंगल शुक्र बुध की भी दृष्टि चली जा रही है, तो आपको सबसे अधिक यदि किसी 12 राशियों में किसी को चेतना चाहिए तो वृश्चिक राशि वालों को चाहिए। आप इतना ध्यान रखेंगे। तो थोड़ी सी ही बात क्या, मैं आज सोचा था कुछ और बात करूंगा, लेकिन अभी बात करूंगा तो जो आज मैं बात किया हूं बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाएंगी। और मैं बार बार जो पहला अनुरोध है मेरा, आज भी पहला भी अभी भी अनुरोध है कि जो लोग बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं उनके यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनको गाइड कीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते से चूक जाएंगे, ईश्वर आपको दंड देंगे। माता पिता भाई बहन सबको मैं बोलता हूं, देखिए एक आदमी घूस लेता है, एक कोई अफसर है घूस लेता है, उसको सब उसके धन को सब कोई इंजॉय करते हैं, तो पाप तो आपके अंदर में भी आया, आप भी भ्रष्ट हो जाओगे, आपकी मानसिक चेतना तमोगुण से भर जाएगी। मतलब यदि आपकी 2 सात्विक राशियां यदि आपके लग्न में है और चंद्रमा भी है, चंद्र लग्न भी है, तब भी आपके अंदर में ये भावना आ जाएगी, इसलिए कि आप झूठे धन को उपयोग कर रहे हैं, निम्न कोटि के धन को उपयोग कर रहे हैं। तो जो हम भोजन करते हैं मन वैसा ही प्रवृत्त होने लगता है, ये भी शास्त्रीय कथन है। जैसा भोजन करेंगे वैसे शरीर की मन स्थिति बनती है, इसलिए सात्विक भोजन करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है भेज, नन भेज की व्याख्या सनातन धर्म में नहीं है। तो मन शांत रहता है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, अर्पित हो मेरा मनुज का है, ये तभी संभव है कि जब आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आपकी भावनाएं सात्विक हैं। तो
जो मैं आज बोलना चाहता था मैं यहीं तक रुकना चाह रहा हूँ। कुछ और बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो तो आप लोकेट कर लिया। आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो आप इसे तो देख लोगे। सात्विक राशियां, राजसिक राशियां और तामसिक राशियां। लेकिन बुद्ध को ऋषियों ने भगवान विष्णु और उनके अवतार से जोड़ा है। बुद्ध यदि चर राशियां में हो चर राशि का मतलब एक एक दो तीन चार चार पांच छह सात आठ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहा हूं कभी कभी। दस एक दो तीन चार पांच फिर से राशि हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो चर राशियों में यदि है और ये द्विस्वभाव राशि में भी बुध है तीन छ नौ बारह द्विस्वभाव राशि में भी है। देखिए ये गलत भी हो सकता है लेकिन आप चेक कर लीजिए। चर राशि जब बुध चर राशि में हो या द्विस्वभाव राशि में है तो 90% केस में 90% केस में ये आपके भगवान विष्णु को इंडिकेट करते हैं। भगवान श्री विष्णु को इंडिकेट करेंगे। अब यदि ये बुध आपके नाइन्थ लॉर्ड हो, चंद्रमा से नाइन्थ लॉर्ड हो, सूरज से नाइन्थ लॉर्ड हो, या इन नाइन्थ लॉर्डों से चंद्र लग्न और सूर्य लग्न के नाइन्थ लॉर्ड से यदि बुध प्रभावित हो सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तो आपके इष्ट देव भगवान विष्णु है। कहा ना कि इष्ट देव के बारे में बताइए सर, इतना आसान नहीं है कि कुछ शब्दों में बता दूं। फिर इसमें दृष्टांत देखा जाता है। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी का जो मूल तत्व है उसको आप कंसेप्ट में नहीं लाएंगे तब तक ये समझना कि आपके इष्ट देव यही है कभी कभी भ्रम में भी आप आ जाएंगे। तो इस पर कभी मौका मिलेगा तो मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आदमी गलती अधिक करते हैं अभिमान बस, अज्ञानता बस, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानने के चक्कर में गलती करते हैं। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा जानता हूं, बहुत सारी बातें हैं। ये भगवान कृष्ण कब रिप्रेजेंट करेंगे, भगवान राम कब रिप्रेजेंट होंगे, भगवान नृसिंह भगवान कब रिप्रेजेंट होंगे, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग राशियों में, अलग अलग दृष्टिकोण में, अलग अलग स्थितियों में। उसी तरह से अन्य भगवती अन्य देवताओं के बारे में भी है। ये इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान चाहिए आपको, आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान चाहिए।
मैं जो कुंडलियां बताता हूं, एनालाइज करता हूं, अंत में मैं सबको बोलता हूं कि मैंने जितनी बोली आपको सब भूल जाइए मेरी बात, बाकी रिकॉर्ड कराता हूं कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सिर्फ मैंने जो आपके स्थिति के बारे में बताया है सिर्फ उसी को याद रखिए, उसी मंत्र को जपिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भाग दौड़ मत कीजिए, डोंट रन हियर एंड देयर, चूहे के ऐसा इधर उधर मत दौड़िए, फिक्स हो जाइए, दिमाग को स्थिर रखिए। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत विशद है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन कुछ बात और मैं अभी इष्टदेव के ऊपर में कुछ बात और भी कुछ तो बताऊंगा, डिटेल बहुत नहीं बता पाऊंगा कारण कि समय का अभाव होता है। और एक बार रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं, कुंडलियां बन गई हैं सबकी, होता क्या है कि मेरा एनालिसिस करने का समय लगभग 10 बजे से 12 12:30 दो घंटे का समय लेता हूँ एक कुंडली एनालाइज करने में, यार कम से कम 1.5 घंटे का समय तो लगता है, और मैं रिकॉर्ड कराता हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, वो आपके साथ परमानेंट रह जाएगा, फिर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, अच्छा ये प्रश्न तो पूछना ही भूल गए थे, तो जब आप उसको दोबारा तिवारा सुनेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसके अंदर में। कारण कि मेरा पहला फर्ज होता है कि ईश्वर ने आपके जन्म से मृत्यु तक जो लिखा है सारी बातें मैं अस्पष्ट बिना लाग लपेट के बिना छुपाए आपको बता दूं। यू मस्ट नो वेयर यू स्टैंड, पिछले जन्म के कर्म आपको कहाँ ले गए हैं, आपने पूर्वार्ध जीवन में 45 तक के जीवन में आप राजा के समान जिए और अचानक आप गिर गए, आपकी स्थिति कर्जदार की हो गई, भिखारी की स्थिति हो गई, तो पिछले जन्म का कर्म प्लस इस 45 वर्षों में जो आपने गलत किया है वो दोनों एक्युमुलेट होकर के आपको एकदम नीचे गर्त में गिरा देता है। तो पहला बात मेरी मान लीजिए, मैंने आपको बताया ना, आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो आप अपने से जज करो, मैंने आज बताया इसको 2-3 बार सुनो आज का लेसन, यू विल बी एबल टू जज योर सेल्फ, आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, ये लग्न के जरिए, चंद्र लग्न के जरिए और सूरज लग्न के जरिए आप अपने को क्लासिफाई कर सकोगे। तो पहले ये ध्यान, ये इतना सीख लो पहले, और आप अपने परिवार में भी देखो कि को पीड़ित हैं, क्यों पीड़ित हैं, क्या गड़बड़ी है, ये तीनों लग्न की क्या स्थिति हो रही है, ईश्वर साथ में है या नहीं है, तो आगे बढ़िए। सिर्फ दौड़ धूप चूहे का ऐसा मत कीजिए, इधर जा रहे हैं उधर कुछ लोग खिला रहे हैं उधर नहीं होगा, बी काम इन क्वाइट। बहुत सा कुंडली में जैसे 12th हाउस और 2nd हाउस एक विचित्र हाउस है, बिल्कुल पिक्यूरियर हाउसेस हैं, उसको एनालाइज यदि आप बस 2nd मार्केस हो और 12th मार्केस हो गया ऐसा हो गया यदि आप जजमेंट करते हो, आई विल सी यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। आप एक बार अध्ययन कीजिए ना, पराशर अध्ययन कीजिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं पराशर, आई विल सी यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर। ब्राह्मीर नहीं पढ़ा है तो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। तो पहले तो इतना जान लो कि आप अपने को पहचान सको, ये पहला कर्तव्य है आपका, और मैंने कुछ तरीके बताए आपको जो सरल सुगम सबके लिए सुगम है, चाहे आप विद्वान हो चाहे नवशिक्षे हो, हर कोई। होता क्या है कि हम लोग दंभ में रह जाते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, तो अपनी जो बुराइयां हैं हम देख नहीं पाते, हमेशा हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन हिम,
इस शराब के अंदर में क्या रखे हैं, लग्न में क्या रखे हैं। लग्न मीन्स ट्रू ऑफ टाइम व्हेन यू आर बॉर्न। चंद्र लग्न मीन्स द डिग्री, एग्जैक्टली द डिग्री द मून वॉज लोकेटेड इन द स्काई एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड सिमिलरली द डिग्री एग्जैक्टली ऑक्यूपाइड बाय सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज सूर्य लग्न। तीन डिग्रियां हो गई, लग्न की डिग्री, सूरज की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री। इसको भी आपको एनालाइज करना होगा। यदि आप रियली एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको यह भी सीखना पड़ेगा। आपका फल कथन तब तक सही नहीं होगा जब आप लग्न की डिग्री, चंद्रमा की डिग्री और सूरज की डिग्री को ध्यान में नहीं रखते हो। तो आशा है कुछ भी मैं सेवा कर सका तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। और एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, नॉर्थ वेस्ट में अभी भी संकट पड़ा हुआ है, बड़ा संकट। कुछ ऐसा लगता है अल्प बुद्धि है, हो सकता है मुझे भ्रम हो गया हो, भगवान करे मेरा भ्रम ही हो ये। और सूरज भगवान अभी पुष्य में है और ये 3-8 तक रहेंगे, तो 25 तारीख से लेकर के 25-7 से लेकर के 3-8 तक आप ये बना लीजिए। यहाँ सूरज भगवान को रखिए, पुष्य नक्षत्र है और सूरज के पहले चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, 9 टुकड़े में बांट दीजिए। फिर नक्षत्र के हिसाब से, ये सूरज का नक्षत्र है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। मैं बता चुका हूं, बार बार बताने से आप कंफ्यूज कर जाते हैं। आज भी किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं जब बताने लगता हूं ना तो एकदम डिटेल क्लियर कट बताता हूं और सरल ढंग से बताता हूं ताकि बड़े आसानी से आप समझ सके। उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मैकेनिकल वे में समझाना चाहता हूं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो मेनाग्य जोहार।